अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के धर्म समाज महाविद्यालय के बाहर छात्रों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजू विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और परीक्षा समिति पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा समिति अपनी मनमानी कर रही है और छात्रों का भविष्य खराब कर रही है। पूर्व में परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो रजिस्ट्रार ने छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। आरोप है कि अब परीक्षा समिति अपनी मनमानी कर रही है जिससे कि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। फिलहाल छात्रों ने परीक्षा समिति के विरोध में जमकर हंगामा किया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज धर्म समाज महाविद्यालय पर हमने परीक्षा समिति के विरोध को लेकर के धरने प्रदर्शन रखा है। यहाँ पे परीक्षा समिति लगातार विरोध करता हुआ जा रही है। कुलपति महोदय, हमने लगातार 12 तारीख से लेकर 12 को, 18 को, 30 को आंदोलन किया था OMR परीक्षा को लेकर के। विश्वविद्यालय ने पहले अवगत करा दिया था पेपरों से एक महीने पहले कि हम रिटर्न परीक्षा कराएंगे, उसके लिए हमने लगातार आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में परीक्षा समिति की न मान करके कुलपति महोदय जी, रजिस्ट्रार महोदय ने निर्णय लिया। निर्णय लेने में हमारा पैटर्न OMR का हो गया। उसके बाद परीक्षा समिति लगातार हमारा विरोध कर रही है इस प्रकरण को लेकर के, हम पेपर नहीं बनाएंगे और हम पेपर को बहिष्कार करेंगे। और अभी लगातार दीक्षांत समारोह 21 तारीख में होने वाले दीक्षांत समारोह का बहिष्कार करने के लिए परीक्षा समिति अड़ी हुई है। उसी प्रति हम परीक्षा समिति का विरोध कर रहे हैं। परीक्षा समिति अगर हमारी बात को नहीं मानती और हमारा पैटर्न कैसे भी कारण अगर चेंज होता है या कोई भी ऐसी टिप्पणी और परीक्षा समिति और छात्रों के ऊपर करती है, छात्रों को खिलवाड़ करती है, तो हम हमारा अग्रिम प्रकरण जारी रहेगा। हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे, कक्षाओं का भी बहिष्कार करेंगे। इस प्रकरण हमने धरना प्रदर्शन रखा हुआ है परीक्षा समिति के विरोध को लेकर के। और मैं DS कॉलेज से LLB का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। प्रदर्शन हम परीक्षा समिति और अपटा का विरोध कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो विश्वविद्यालय ने हमारी OMR परीक्षा हमारे प्रदर्शन करने के बाद लागू करी है, जो 3 तारीख को इसका फैसला आया था। उसके बाद ये लगातार परीक्षा समिति और अपटा ये काफी विरोध कर रहे हैं, लिखित परीक्षा चाहते हैं, OMR का विरोध कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा समिति ये नहीं सोच रही छात्रों के पास पढ़ने का समय नहीं है, क्लासेस पूरी तरीके से लग नहीं रही है। अचानक से विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा का जो ऐलान कर दिया, उसके बाद छात्र इसके विरोध में आए और विश्वविद्यालय ने हमारी मांग समझी, उन्होंने OMR कराए। लेकिन ये लगातार ये परीक्षा समिति और रुपटा विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये तो इनको ही पता होगा। लेकिन हम इनका आज विरोध कर रहे हैं पूरी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये छात्र हित में फैसला लिया गया है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये सभी के लिए बढ़िया है। और ये जो विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये टीचरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। छात्र एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। छात्र एकता हमारे BC साहब ने करने के बाद किया था, लेकिन परीक्षा समिति के वो है टीम साहब हमारे हरीश शर्मा जी, अशोकी हमारे हरीश शर्मा जी जो हैं DS कॉलेज के, उन्होंने विधि के जो HOD हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया, लेकिन परीक्षा की मांग किया ना इन्होंने सभी शिक्षकों से, शिक्षक दिवस के लिए भी जो कोई होने वाला है सब चीज के लिए मना कर दिया है। पेपर महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से पेपर आने के लिए तैयार और भेजे गए थे, जैसे TRM हॉस्टल और अपना DS कॉलेज में भेजे गए थे, साफ इनकार कर दिया है कि DS कॉलेज या TR कॉलेज कोई भी पेपर नहीं बनाया, कोई शिक्षक पेपर नहीं बना रहा है। और हरीश शर्मा जी HOD ने मिलकर सबसे वहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी से जाके आगरा यूनिवर्सिटी से अटेंड किया है और लोगों को शिक्षक दिवस जरूर कर रहे हैं। हमारे इन शिक्षकों को सपोर्ट दिया जाएंगे। अगर ये तो भी 3 कॉलेजों के छात्र हैं, 2 कॉलेजों के छात्र हैं, अगर इसी प्रकार से करते रहे तो ये अलीगढ़ मंडल के जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं, राजा महेंद्र प्रताप ये जितने भी अलीगढ़ मंडल के कॉलेज हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सड़कों पर उतरने का काम। क्या नाम है तुम्हारा? ललित चौहान। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।